माता दी, अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, महाकाल भैरव के मंत्र को कल हमने बताया शत्रु विनाश के लिए। वह पूरा मंत्र था, बीज मंत्र के साथ में भैरव का मंत्र था, जिससे शत्रुओं के विनाश का हमने आपको उपाय बताया। ऐसे ही दोस्तों छोटी छोटी टिप्स हुआ करती हैं, जो बड़ी ही साधारण और सरल हुआ करती हैं, और आपके घर में ही आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। कोई आपको ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस दोस्तों, आज इसी महाकाल भैरव के जो बीज मंत्र हैं उसका प्रयोग बताऊंगा। केवल बीज मंत्र का ही प्रयोग करना है। ओम हम सम नम गम कम सम खम, इतना सा यह बीज मंत्र हुआ करता है। महाकाल भैरव वैसे तो शत्रु विनाश के लिए प्रधान माने जाते हैं, परंतु बहुत से भक्त इसे किसी का भी उतारा टोना टोटका या किसी का किया कराया है या नकारात्मकता है या व्याधियां भी ऐसी जो ठीक नहीं हो पाती हैं, उसमें इसे तंत्र प्रयोग के द्वारा इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो तांत्रिक क्रिया से उस रोगी को ठीक कर देते हैं। आज यही मैं छोटा सा आपको उपाय बताऊंगा कि किस तरीके से आपने करना है और तांत्रिक लोग कैसे करते हैं। कैसा भी किसी का किया कराया हो, बाहर की बाधा हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डाकनी शाकनी, आप चाहे जो उसे नाम दे दें, वह तो उतरेगा ही उतरेगा। लेकिन जिसका किया कराया अगर है तो वह उसी पर पड़ेगा और उसका परिणाम उसे ही भोगना पड़ेगा। राई के बारे में आप सभी जानते हैं, पर राई के बारे में थोड़ा सा लोग संशय पैदा करते हैं। अब मैं राई को आपको दिखा देता हूँ, नज़दीक से दिखा देता हूँ। यह देखिए राई, ये सरसों से भी एक चौथाई हिस्से की गोल गोल हुआ करती है। दोस्तों, यह अपने रसोई घर में हम विशेष रूप से अचार डालने के लिए प्रयोग में लाया करते हैं। शनिवार को कैसी भी किसी में भी है तो वो विधि मैं बताऊंगा, उसे सामने बैठा लेना। बाधा और आप में है तो बस शनिवार को आप किसी भी समय एक चुटकी भर लेना है। और इसका प्रयोग बताने से पहले मैं इतना बता दूं कि अपने सामने एक मिट्टी के पात्र में छोटा सा कंडा जला करके उसकी अग्नि पैदा कर लेना। बस यह करने के बाद में अपने सामने रखें, आप अपना पूर्व की तरफ मुख कर लें, सामने अपने रख लें। 84 आपने लेनी है एक चुटकी में, और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, इसको कहते हैं एंटी क्लॉक और यह क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। एक बार घुमाओगे तो एक मंत्र पढ़ोगे, ओम हम सम नम गम कम सम खम। इतना बोलने के बाद इसको जहां सामने अग्नि कंडे की जलाई हुई है उसमें छोड़ देना है। दूसरी बार फिर लेना है आपने और इसी प्रकार से बोलना है, ओम हम सम नम गम कम सम खम, और फिर उसमें छोड़ देना है। ऐसा आपने
8 बार करना है बस। बड़ा ही आसान प्रयोग है, सबके पास में राई है, अग्नि जला लेना, शनिवार को कर देना और इतवार को अगले दिन कर देना, बस 2 दिन कर देना दोस्तों। 8 बार, 8-8 बार में आपका जो उतारा है वह जिसने किया है उसके ऊपर ही जागरेगा, और यदि किया हुआ नहीं है तो कोई भी बाधा है वह दूर हो जाएगी। अब जो आपने कंडा जलाया है वह अग्नि जब ठंडी हो जाए, राख बन जाए, तो उसे पीपल की जड़ में छोड़ देना। अगले दिन भी, रविवार को भी उसको पीपल की जड़ में छोड़ देना। 2 दिन का प्रयोग है दोस्तों, कैसा भी किया कराया हो, आपका तो उतरेगा ही उतरेगा, पर उसी पर जागिरेगा। महाकाल भैरव का यह जो मंत्र है, यह तांत्रिक लोग इसे प्रयोग में लाया करते हैं दोस्तों। अब अगर किसी दूसरे पर है तो बस फिर क्या है, उसका मुख पूर्व की तरफ कर दें। आप उसके सामने बैठे तो आपका मुख पश्चिम की तरफ हो जाएगा और बीच में अग्नि जला लें, और आप उसके ऊपर से मंत्र बोलते हुए इसी प्रकार से उतारा कर दें। बस एंटी क्लॉकवाइज ये ध्यान रखना है, आपने उल्टा घुमाना है। कर लें दोस्तों, आपको नहीं पता दोष क्या है क्या नहीं है, लेकिन लगता है कि ऐसा है तो अवश्य कर देना, और इसका परिणाम भी स्वयं देख लेना दोस्तों। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें, शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।